उनकी उस धाम की प्राप्ति हो जहां प्रभु का है। अब आगे हमारी बहन जी इस कार्यक्रम का आगे बढ़ाएंगे। सारे जी रमन भोगता जी के
हम जिन लोग सभा के इकट्ठे हुए हैं हर प्राणी जो इस दुनिया के जन्म लेता है उस प्राणी को एक आप भी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल दुनिया को ले जाती है। लेकिन जिहड़ी मौत किसी को परी दीवानी के लैके जाती है उस मौत का दुख एक अलग ही होता है। सारे नमन जी के अक्षमा तुलन के उन्होंने अंतिम शांत होना है दुख की कड़ी है सारे ने लेकिन एक टीमा का सितारा जो टुट जाता है तो देखने वाले ने बहुत बुरा कर इस गुरुद्वारा परिवार के नाम जीवन जी पवन गुरुद्वारा जी नमन जी बेटा मोहित गुरु महाराज जी मातृशक्ति एवं उपस्थित बंधु इस तरह के अवसर पर शोक होना तो स्वाभाविक ही है। जब भी महाराज कोई सज्जन पुरुष हमारे से बिछड़ता है तो मन को घात तो लगता ही है। लेकिन सृष्टि का ये अटल नियम है आया है सो जाएगा राजा ग्रंथ की कोई सियासत चली जाए तो बंदी जा दी सांत्वना इसी बात की है कि जाना तो सभी ने है लेकिन जो अच्छा जीवन व्यतीत करके जाता है प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनको आवागमन से बुद्ध करें और मैं अपने श्रद्धा समर्पण अर्पित करता हूँ और समस्त परिवार की तरफ से आए हुए सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। सतम श्रद्धा सता राम राम जप निश्चय खार राम राम जप निश्चय खार राम राम जप निश्चय
प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म नाम में आता।
Thank you.
Thank you.
को हवा मिलाता पक्षी एक दिन उठ जाएगा। तो के पिजड़ा वो मौता का एकत्रित हुए तो कुछ क्षण भजनों के माध्यम से हम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो सभी भागीदार हैं। Thank you.
Yeah.
संस्कृत के माध्यम से श्री रमन मोहनपत्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उनको एक भजन बहुत पसंद था, एक धुन उनकी बहुत प्रिय थी जो गाते हुए वाणी को बदल देंगे। हम तो ये धुन मिलके सभी गाएंगे। सभी श्रद्धा के फूल चढ़ाए हैं, पूरे
जो उनके रिश्तेदार उनके संबंधी धार्मिक संस्थाओं से और राजनीतिक संगठन से भी आए हैं, हमारे बीच में है वक्ता भी हैं, जो श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। हमें कुछ शोक संदेश दिया है। हमारे बीच में सुदीप पुरी जी पंजाब प्रधान है शिवसेना के, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। करीब और मॉर्निंग वॉक फ्रेंड्स जिनके सहयोगी थे, साथ ही वो सैर किया करते थे, उनकी तरफ से शोक संदेश है। ब्राह्मण जागृति मंच के वृंदर शर्मा जी प्रधान है, उनकी तरफ से शोक संदेश। सरल हितकारी शिक्षा समिति चंडीगढ़ से प्रत्याशा जिला अपहाज आश्रम से शोक संदेश है। सेम तो कोटी चेयरमैन है उनके। प्रकाश मंत्री सर्वहितकारी विद्या मंदिर से शोक संदेश आया है, जिसके प्रधान नरेश मल्होत्रा जी हैं, सुमेश मल्होत्रा जी हमारे ही रमन जी के बड़े भाई बहुत मल्होत्रा जी के प्रबंधक हैं। केसरी साहित्य संगम से शोक संदेश आया है और लाल केसरी सेवा समिति से भी आर्या साई मंदिर शहीद भगत सिंह नगर से भी उप प्रधान सुरेश शर्मा जी आश्राम का शोक संदेश है। मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा श्रद्धांजलि देने के लिए इंद्र टुकड़ जी आए। पंडित जी महाराज, गुरु महाराज और मेरे भाई और बहनों, श्री रमन कुमार मल्होत्रा जी के अकस्मात निधन पर हरिपुर मॉर्निंग वॉक फ्रेंड्स के सभी सदस्यों से मैं दुख प्रकट करता हूँ, क्योंकि रमन मल्होत्रा एक कर्मयोगी व्यक्ति थे। उन्होंने हर वक्त एक कष्ट शरीर में कष्ट होते भी मुस्कुराहट से रहते थे। आज भी उनकी यादें हमारे दिल में हैं, आज भी हमारी यादें उनको दिल पे देर लेकर रखती है। ईश्वर ने उनको छोटी उम्र में अपने पास बुला लिया। हम तो यही समझते हैं वहां भी अच्छे इंसानों की जरूरत होगी, तभी उनको छोटी उम्र में करवा लिया, क्योंकि उनके जाने से जो परिवार और समाज को घाटा पड़ा है, क्षति हुई है, वो कभी भरवाई नहीं हो सकती। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में बांध दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति। ओम साई राम। आमंत्रित करूंगा जलंधर सेंटर से विधायक अजेंद्र बेदी जी से हुआ है। इस प्रभाव व्यास गति से बैठे पंडित जी महाराज सामने बैठे हैं, मेरी मतामा बहना भाई अज सारे ही श्री रमन मल्होत्रा जी के अंतिम लोकसभा के इकट्ठे हुए हैं। हर प्राणी को इस दुनिया के विच जन्म लैंदा है, उस प्राणी को एक आत्मिक मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल दुनिया को लै जाती है। लेकिन जिहड़ी मौत किसी नूं भरी दीवानी के विच लै के जाती है, उस मौत का दुख एक अलग ही होंदा है। और उस वेले असीं परमात्मा नूं इह बोलदे हां कि इहो जी गलती उस साडे जीतों हो गई जिहड़ी साडे सारिआं नूं जुदा कर लिया, लेकिन परमात्मा का भाणा है सानूं सारिआं नूं मनना ही पैंदा है। रमन जी ने अपनी जिंदगी दे विच बड़ी मेहनत कीती और ईमानदारी दे नाल अपने आप नूं अपने परिवार नूं अगे लै के आंदा, लेकिन कदे सोचिआ वी नहीं सीगा एड्डी जल्दी वो साडे सारे नूं छड्ड के चले जाण। अज जिथे उन्होंने परिवार को दुख है, उत्थे सारे समाज भी दुख है। मैं उस परमपिता परमात्मा की यही अरदास करना कि उस विछड़ी आत्मा को अपने चरणों में जगह देने और उच्चे परिवार को पाणा वरतण का वास दे। ओम शांति शांति। लक्ष्मी नारायण जोशी की तरफ से अध्यक्ष हैं और अनिल सहगल जी इलेक्ट्रिकल ट्रेड और बहुत से शो मर्चेंट्स
विनोद के जी का भी शोक संदेश है, मैं प्रार्थना करूंगा श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए पवन मल्होत्रा जी, आरएसएस के सेवानगर प्रमुख हैं वो आए और इस परिवार के लिए शोक साझा करें, श्रद्धा सुमन प्रकट करें। आए हुए सारे शहरवासी माताओं में सारे नमन कीजिए, अक्षमा करते हैं उन्होंने हल्के में पास शांत होना है, दुख की कड़ी है सारे ने, लेकिन एक टीम के माता सितारा जो टुट जाता है तो देखने वाले ने बहुत बुरा उही हाल इस मल्होत्रा परिवार के नाम है। जीवन जी, पवन मल्होत्रा जी, नमन जी, बेटा मोहित सारे ही उस गुरबाणी के फुल ने जिन्होंने श्री रामदास मल्होत्रा जी ने परिवार ने बड़े ही संस्कारी के ढंग में सीखा। मैंने तो इन्ना क्या परिवार के नाम रहने हो जो मैं पवन जी ने किले महीने भी आवाज लगा चाहता सी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम पूरा परिवार जुड़िया हुआ तो पिता जी का गलबात होने तो आशीर्वाद ही मिलना तो इतना मैं इन्ना पता से कि कोई भी उन्होंने दरवाजे से आया तो खाली नहीं गया क्योंकि स्थान है नहीं है तो बैठने लिए उन्होंने आग्रह किया और पूरी समस्या का समाधान किया। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम की जरूरत है, अज भी बहुत सारे नौजवान उस वेले जोड़े थे अज अपने परिवार ने आग रहे हैं, कोई अकाउंटेंट बनया, कोई किसी होर वर्ग से गया, उन्होंने सलाह मशवरे के नाम चलो काउंसलर काम करते उस भी समाज में भी हर वे खड़े रहना और फिर आयकर आयुक्त के सलाहकार कोई भी व्यक्ति आया उन्होंने नेक सलाह लैके गया और वो अपने कुछ ना कुछ लाभ उन्होंने लैके गया और निस्वार्थ भाव ने उन्होंने समाज का काम किया। फिर उस तरह और ना तो एक तो परिवार संस्कारी कहते ना संस्कार डीएनए जो होंगे तीन परिवार तक चलना कि मल्होत्रा परिवार तक ही चलना जेडे संस्कार उन्होंने माता पिता ने दिखे उन्होंने अपने बच्चों ने दिखे उसने सोने का सुहागा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अच्छे कार्यकर्ता से और उन्होंने मन के हर वे देश के लिए राष्ट्र के लिए समाज के लिए सेवा भाव पूरी तरह कुट कुट कर रहा है। कहते हैं किसी वृक्ष में अगर वृक्ष बनता तद है पहले बीज पैदा फिर पौधा होंगे पौधे तो बाद तना बनता तने तो बाद शाखाव होंगे बनती लेकिन उस पट वृक्ष बनने पूरा योगदान परिवार का होंगे संस्कार जिंदा जेडे वृक्ष के उत्ते जेडे फल लगने हर टाणी के उत्ते उही फल लगता है इको जहा फल यानी परिवार के संस्कार से अग्यों भी सारे बच्चों के कोल उही संस्कार उही सेवा भाव अज भी अगर गल करिए पवन जी मल्होत्रा साढ़े राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक सेवा भाव के जेडे प्रकल्प चलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हस्पताल और योगदान भी देंगे ने पूरा समय भी देंगे और हस्पिटल अगर सर्विस का इस स्कूल के भी प्रबंधक की दृष्टि में काम करते हैं जिहड़ा मुंडा उन्होंने पिता जी ने लाया से फल जोड़े है वो यही समाज में बन रहे हैं। अज बहुत ही बड़ी घाट साढ़े समाज के हुई है रमन जी के जान के नाल क्योंकि वो परिवार का एक हिस्सा संस्कारित परिवार का जोड़ा हर वे सेवा डत रहा है कहीं चले जाना बहुत दुख की गल है। मैं अपने वालों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्पेशल नाते परमात्मा ने अगर अरदास करता कि उन्होंने अपने चरणों में स्थान दें और परमात्मा परिवार को दुख सहन से सचमुच सही गल है कि रमन जी के जीवन जी के पवन जी के पिता जी रामदास मल्होत्रा जी एक आर एस एस से एक ऐसा स्थान से उन्होंने अज उन्होंने उस परिवार का किस तरह सारे संघ अधिकारी विद्यार्थी खड़े तो मैं हम कुछ और शोक संदेश आए उसके बाद होलसेल शू मर्चेंट एसोसीएशन दविंदर मनचंदा जी को जलंधर इलैक्ट्रिकल मर्चेंट वेलफेयर एसोसीएशन के प्रधान
हर ककड़िया जी वालों दैनिक सवेरा के छिपरबीजी वालों और पंजाब केसरी के मध विजय चोपड़ा जी वालों सुख संदेश है अशोक ग्रोवर जी और साढ़े अमरजीत सिंह अमरी जी शोक संदेश साई राम सेवा प्रबंधक कमेटी मोहल्ला गोबिंदगढ़ वालों शोक संदेश है परिवार वालों मैं धन्यवाद करने की प्रार्थना करांगा उदीप भगत जी आके परिवार वालों धन्यवाद आदरणीय पंडित जी गुरु महाराज जी मातृशक्ति एवं उपस्थित होते हैं इस तरह के अवसर पर शोक होना तो स्वाभाविक ही है जब भी हमारा कोई सज्जन पुरुष हमारे से बिछड़ता है तो मन को घात तो लगता ही है लेकिन सृष्टि का ये अटल नियम है आया है सो जाएगा राजा ग्रंथ की कोई सियासत चली चले तो बंदी जा देती सांत्वना इसी बात की है कि जाना तो सभी ने है लेकिन जो अच्छा जीवन व्यतीत करके जाता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो एक तरह का प्रभु के शासन में जाता है और जो आवागमन का जो चक्कर है उसके अच्छे कर्म अच्छे संस्कार उससे उसको मुक्ति प्रदान करते हैं मेरा जो इस परिवार से संबंध 1977 से था रमन जी के पिताजी श्री रामलाल जी मल्होत्रा तो किले महल में रहते थे मैं तब से उनसे संबंधित था जैसा कि आपको बताया कि आरएसएस के वो कार्यकर्ता थे तो उसी नाते मैं उनके पास जाता था और मेरे को वो गाइड भी थे मैं तो यही कहूँगा मैंने उस सबको जिंदगी में सीखा भी है वो परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेरा गहरा संबंध रहा है लेकिन कष्ट को जल्दी रमन जी को ऐसा शरीर कष्ट आ गया जिस कारण परिवार सभी सभी सदस्यों ने तेरों जान से उनकी सेवा की और उनकी विल पावर जो थी स्ट्रॉन्ग की और इस तरह के संस्कार आपको दिए जब भी रमन जी मिलते थे इतने हंसमुख होकर मिलते थे मन ही जीत लेते थे सभी का लेकिन जैसे मैंने बताया है आया वो समय तो जाना ही है प्रभु से तो यही प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनता महानगर की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनको आवागमन से मुक्त करें और मैं अपने श्रद्धा समर्पण अर्पित करता हूँ और समस्त परिवार की तरफ से आए हुए सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद एक ऐसे पुष्प की कथा है ऐसा ही था उनकी स्वास्थ्य ही उनका ऐसा हो गया था कि परंतु उन्होंने अपना संकल्प दृढ़ संकल्प था उनके अंदर वो नहीं छोड़ा जब तक मनुष्य का संकल्प रहता है संकल्प के साथ ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं वो मकान तो बढ़ा गए परंतु जो है बेटे हैं और बेटी है
उनका कार्य अधूरा रह गया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं यह मोहित को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करें और संघर्ष और अल्प काल में थोड़े समय में इतना काम करना एक मनुष्य का दृढ़ संकल्प होता है। अस्वस्थ होते हुए भी एक ऐसी पीड़ा उनको लग गई थी और अस्वस्थ होते भी परंतु उन्होंने अपना संकल्प निहारा, अपना मन निहारा। आज हम देख रहे हैं कि सारे शहर के गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे, अच्छे अच्छे विद्वान धार्मिक संस्थाएं और सब यहाँ पर उनकी अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे महान आत्मा को हम सत सत नमन करते हैं। अब हम गरुड़ प्राण का पाठ करते हैं क्योंकि गरुड़ प्राण का पाठ उन्होंने जो है बड़े अच्छे विधि विधान से, जिसको कहते हैं गरुड़ प्राण में लिखा है, जो पुत्र माता पिता के इस धर्म कांड का इस प्रकार पाठ करता है, पुत्र उसी का नाम है। पुत्र किसको कहते हैं, कौन किसको देता है और कौन किसका लेता है, पूर्व जन्मों का संबंध होता है। परंतु पुत्र उसका नाम है जो अंत को संभाल ले। इस धार्मिक मर्यादा के अनुसार, कुल मर्यादा के अनुसार काम करें और बच्चे भगवान ने ऐसे ही दिए हैं जैसे इनकी कुल मर्यादा चल रही है। मोहन जी ने बोला है कि दादा परदादा भी ऐसे ही थे, तो इसी ही आगे मोहन जी आगे जो है रमन जी का काम वो आगे बढ़ाने की शक्ति मोहित मल्होत्रा को दे। अब जो है जो इस गरुड़ प्राण का श्रवण करता है, पाठ भी करता है, तो वह भव सागर से प्राप्त हो जाता है। तो तभी तो का है रात्रि गमस्थिति, रमन जी का ऐसा ही काल समाप्त हो गया जैसे एक पुष्प का काल समाप्त होता है। कहा है रात्रि गमस्थिति भौषति सुभातम भाषान देश की हास्यति पंकज श्री इतम विचिंतति कोष गते दुरे भी हा हंत हंत नंदी गज उच्च हारा। एक भौरा जो है पुष्प के अंदर शाम के टाइम जो है बंद हो गया, उसकी एक कल्पना अंदर जागी कि प्रातः होगा, रात्रि गमिष्यति भौषति सुप्रभातम, रात जाएगी प्रातः काल होगा, फूल खिलेगा और उसमें मैं मंडराऊंगा। इत्थं विचिन्त्यति कोश गते दुरेपे, औरा ऐसा सोच ही रहा था हा हंत हंत नन्नी गज उच्च हारा। वैसे एक हथनी आई और उस कुटी को उसने जड़ से उखाड़ दिया। तो ऐसी ही मल्होत्रा साहब की एक अधूरी कामना रहेगी है जो मोहित मल्होत्रा उसको पूरी कर सकते हैं। तो अब जो है गरुड़ प्राण का पाठ था है, गुरु गोविंदा दो खड़े कागे ना को पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कहा है गुरु के द्वारा ही मैं प्रसन्न होता हूं। भगवान ने कहा गुरु प्रभा, गुरु को पूजने से मैं प्रसन्न होता हूं और प्रसन्न होने पर पूजने वाले की कामना पूर्ण करता हूं। गुरु के द्वारा ही भगवान के दर्शन होते हैं। तभी कहा है गुरु गोविंदा दो खड़े कागे ना को पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीरा हर के रूठ थे गुरु के सरने जाए, कहा कबीर गुरु रूठ थे हरी नहीं होत सहाय। भगवान ने कहा जो मेरा पूजन करता है गुरु का पूजन करता है और जो इस पाठ को श्रवण करता है और सुनाता भी है वहां मेरी भक्ति के द्वारा परम धाम और मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। आज सभी यहाँ पर गणमान्य लोग आए हैं, ऐसी कामना करें आज के बाद उनके घर में कभी अमंगल हो, मंगल ही मंगल हो। और बाहर जो है
सारे परिवार बड़े सनातनी पद्धति के हैं, कर्मचारी हैं, धर्म का ज्ञान रखते हैं और सब पढ़े लिखे हैं। हमें जो है थोड़ा व्यास की गद्दी पर बैठने का अधिकार है कि हम थोड़ा मोहित जी को शिक्षा दें। इस परिवार को शिक्षा देने की आवश्यकता भी नहीं, पहले शिक्षित है, माता का विशेष ध्यान रखें और बड़ों का विशेष। आप जैसे करते आए हो दुर्गा परिवार, सारा परिवार बहुत धार्मिक विचार होता है, तो इस प्रकार जो है हम इस पाठ को यहाँ पर विश्राम कर देते हैं। तो सारे बोलते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, ऐसी कामना करें। ही नारायण, जब मनुष्य नरसिंह नारायण को प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार उस परमात्मा को अपने उस आत्मा को अपने धाम में स्थान दे और इस परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। राम राम जी सबको। यहाँ पर जो है अब हम जो है रस्म पगड़ी जिसको बोलते हैं रीति रिवाज और गुरमुरा श्रद्धा सुनियाम श्रद्धा सतात ओम दीम भूपति राजा शांति हमला श्री मान समान बड़ा अस्वस्था मां विकास हो अस्वस्था मां विकास हो आज छात्र जन हर नाम से चिंते चरण जी भी श्राय ओम हरि हिरुमा नमो ब्रह्म देवाया ओ ब्राह्मण काय काल जगत काय कृष्णाया कृष्णाया गुरुंगाहे नमो नमः। Thank you.